हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से विनिंग एज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पॉलीनोमियल की थर्ड वीडियो के लिए काम करने जा रहे हैं। और इसमें अब तक हमने जो भी सीखा है उसमें ये देखा है कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को कैसे वेरीफाई किया जाता है, और अगर हमें दो जीरोस दिए हों तो उससे हम कैसे पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो ये सारी बातें अब तक हम सीख चुके हैं। लेकिन बच्चों, अब हम एक नए वर्जन की तरफ, नए टाइप की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों आपको इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम्स में कई बार देखने को मिलेंगे। और इस टाइप के हम कम से कम 15 क्वेश्चन के आसपास करने जा रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आप करने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा पॉलिनोमियल से रिलेटेड रिलैक्स फील हो जाएगा कि हाँ जी, अब हमें सब कुछ समझ में आने लग गया है। तो प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल्स के अंदर सबसे पहली बात कि पॉलिनोमियल लिखा कुछ इस प्रकार से जाता है। मैं आपको इस चीज को यहां पे पहले रिप्रेजेंट कर देता हूं। कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है क्वाड्रेटिक वाला, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं वो इस प्रकार से लिखे जाते हैं, और हमें काम भी इसी के लिए करना है कि आखिरकार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या-क्या सॉल्यूशन पाए जाते हैं। अच्छा, अब प्यारे बच्चों, आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी गई है तो आपके पास कुछ कंटेंट दिए जाएंगे कि इसको सॉल्व कीजिए, तो वहां पे आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, मैं मान लीजिए पहला 1/(α+1/β) इसे कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरा α²+β² इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तीसरा α³+β³ इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फोर्थ 1/(α²+1/β² को कैसे सॉल्व करेंगे, और फिफ्थ 1/(α³+1/β³ को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, सिक्स्थ α³β² + α²β³ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, मैंने आपके सामने ये 6 क्वेश्चंस लिखे हैं, और आपसे मैंने कहा है, अच्छा एक स्पेशल टाइप और है, एक स्पेशल टाइप और है, वो भी सिखाऊंगा मैं, ठीक है। उसमें अब चलो स्पेशल टाइप है तो स्पेशल में ही सीखेंगे, ठीक है। तो ये 6 टाइप के क्वेश्चन अगर आपने सीख लिए तो फिर आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को इस पॉलिनोमियल से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल कौन सा होना चाहिए, क्वाड्रेटिक होना चाहिए। अभी मैं इस बात को पहले क्लियर कर दूं। तो बच्चों, इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे, अब ये क्वेश्चन आएगा कैसे, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे सभी। प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले एक पॉलिनोमियल दिया गया होगा, बहुपद दिया गया होगा, जो कि इस रूप में आपके सामने लिखा हुआ होगा, ठीक है। और जब आप इस टाइप का पॉलिनोमियल देख लेंगे तो आपसे पता क्या बोलेगा, या तो ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे कि इसका आंसर, इसको इवेल्युएट करो, इसका आंसर निकालो, इसका सॉल्यूशन निकालो, इसका हल निकालो। तो प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए, आपको सबसे पहले वो दो काम करने हैं जो हमने लास्ट क्लास में सीखे हैं। क्या काम है बच्चों, पहला सम ऑफ जीरोज, हिंदी में शून्य को का योग। प्यारे बच्चों, क्या हम इसे α+β लिख सकते हैं, और यह होता किसके बराबर है, -B/A, ठीक है। अगला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, हिंदी में शून्य को का गुणनफल क्या होता है, C/A। अब बच्चों, मैंने दोनों चीजें लिख ली हैं। अब मुझसे कहा गया
कि जब आपने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों के दोनों नोट कर लिए हैं, तो आप इन छह केसेस का आंसर निकालना शुरू कीजिए। तो देखिए, एक एक करके मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान से समझिएगा। प्यारे बच्चों, फर्स्ट पार्ट है 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा, कीजिए सॉल्व। ठीक है, इस बीटा को इस 1 से मल्टीप्लाई करो, बीटा प्लस अल्फा को इससे, अल्फा अपॉन नीचे को नीचे से अल्फा बीटा। क्या मैं इस बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा भी तो लिख सकता हूं, कोई इससे फर्क थोड़ी पड़ जाएगा बच्चों। अच्छा, अब मुझे बताइए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है बच्चों माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा होता है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? सी अपॉन में ए। ठीक है, मैं इसको ना, क्या पता बच्चों को दिखे ना, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, माइनस बी अपॉन में ए इज इक्वल टू अपॉन में सी अपॉन ए। तो बच्चों नीचे के ए से नीचे का ए कट गया, बचा क्या? माइनस बी अपॉन सी। तो प्यारे बच्चों, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू कितनी आई? माइनस बी अपॉन में सी है। सिंपल, कहां से देखना है? यहां से नकल मारना है। ठीक है बच्चों, अगला, हां जी, अगला आंसर क्या है? अगला है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालो। मैंने मोस्टली देखा है बच्चे क्या गलती करते हैं कि भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मतलब क्या करते हैं वो, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर कर देते हैं। नहीं बच्चों, गलत है ये। करना क्या है असल में, मैं आपको बताऊं तो बच्चों, ये ना एक फॉर्मूला है। ये क्या है? एक फॉर्मूला है। किस चीज का फॉर्मूला है? ध्यान से देखेंगे बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ना, ये एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। क्या है फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये फॉर्मूला है। यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ये फॉर्मूला है। कहां सीखा बच्चों आपने? ये आपने 9th क्लास में सीखा है। कहां सीखा है? 9th क्लास में। अब देखिए कितना आसान है सॉल्व करना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? माइनस का बी अपॉन ए माइनस टू। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? सी अपॉन में ए। हां जी, बी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर माइनस टू सी अपॉन ए। और सॉल्व करना है तो कर सकते हो बच्चों, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या होगा? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ए स्क्वायर और ए में बड़ा कौन है? ए स्क्वायर। कौन बड़ा है? ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि भाई किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो ऑब्वियस है उससे बड़ा ही होगा। तो भाई जो बड़ा होता है एलसीएम में वही आता है, लेकिन होने दोनों चाहिए ए, या यहां बी स्क्वायर है तो यहां भी बी। ठीक है, तो बी ए स्क्वायर इसका एलसीएम आ गया, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा तो बचेगा क्या? बी स्क्वायर माइनस एक ए से एक ए कटेगा तो बचेगा क्या? टू ए सी। क्यों टू ए सी? क्योंकि एक ए से एक ए कट गया। तो यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर क्या आया प्यारे बच्चों? आंसर आया बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट देखेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है बच्चों, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब देखो इसको सॉल्व करना क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा टिपिकल है, तो एक काम कीजिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसे सॉल्व करवाता हूं। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसे। तो लीजिए बच्चों सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या था? अब थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे थे, है ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अच्छा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बच्चों, यह आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा बच्चों, तो ये क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा,
और क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो प्यारे बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, इसमें क्या दिखाई देगा बच्चों, इसमें आपको आपको इसमें दिखाई देगा कि अल्फा प्लस बीटा वाली बात तो ठीक है, लेकिन हमारी नजर के सामने ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फिर से आ गया। और आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, ये वाला। ठीक है, तो चलिए अल्फा प्लस बीटा, ठीक, इसको खोलिए, इन दोनों पे लगाइए फॉर्मूला, क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। क्या मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है यहां तक? अच्छा, अल्फा प्लस बीटा, प्यारे बच्चों इसको क्या लिखेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस दो और एक, तीन अल्फा बीटा। तो बच्चों जब भी आपके सामने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आए आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। देख लो सही से क्या है, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा बीटा, आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। आप कीजिए इस फॉर्मूले को इस्तेमाल। हाँ जी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, माइनस बी अपॉन ए, यहां पे भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस थ्री, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी, सी अपॉन ए, तो माइनस का बी अपॉन ए सॉल्व कीजिए, बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर थ्री ए सी ए। ठीक है, चलिए माइनस बी अपॉन ए, मैंने बताया था एलसीएम हमेशा बड़े वाला होता है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया बी स्क्वायर, माइनस ए के से ए के कट गया थ्री ए सी। ठीक है, तो आंसर क्या बना बच्चों, आंसर बन गया, आंसर क्या बन गया भाई, ए को नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस का बी। ठीक है, या अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बी को बच्चों ए बी स्क्वायर से करो तो क्या बन जाएगा, बी का क्यूब, क्यों बन जाएगा, पावर एक पावर दो। ठीक है, फिर बी को इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस थ्री ए बी सी, ए बी सी अपॉन में ए को ए स्क्वायर से करोगे तो बनेगा ए का क्यूब। तो आंसर क्या बना, थ्री ए बी सी को आगे माइनस का बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब, तो ये आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। और बच्चों अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला, तो इसको बिल्कुल अच्छे से नोट कर लो आप सब। ठीक है, फिर मैं आपको ये वाला करवाता हूँ और फिर ये वाला करवाऊंगा फिर ये वाला। ठीक, तो ये 6 के 6 क्वेश्चन करने आज बहुत जरूरी है। और ये क्यों जरूरी है, जब आपके सामने मैं न्यूमेरिकल लेकर आना शुरू करूंगा, न्यूमेरिकल से लाना शुरू करूंगा, तब ये, अभी बता मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले जनरेट कराना सिखा रहा हूँ कि कैसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं। ठीक है, जब एक बार आप फॉर्मूले जनरेट करना सीख जाओगे तो उसके बाद क्वेश्चन भी चुटकियों में करना सीख जाओगे। ठीक, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब मैं अगले फोर्थ पार्ट पे बढ़ रहा हूं। ठीक है, फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, वो सॉल्व करेंगे। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में एक साथ कराऊंगा। फोर्थ पार्ट में क्या है, वन अपॉन में अल्फा स्क्वायर और वन अपॉन में बीटा स्क्वायर कीजिए, इसको इससे करेंगे तो बीटा का स्क्वायर, इसको इससे करेंगे अल्फा का स्क्वायर, नीचे को नीचे से करेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अच्छा बच्चों अब मैं इसको सही से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, और नीचे वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन ले लो। अच्छा अब बच्चों एक बात बताओ, ये आपके सामने देखो क्या दिख रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख रहा है, तो आपको पता ही है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखते ही आप सीधा किस पे टूट पड़ेंगे, आप टूट पड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, बस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, सॉल्व हो जाएगा। चलिए पार्ट नंबर फिफ्थ, वन अपॉन अल्फा क्यूब प्लस वन अपॉन बीटा क्यूब, यही है। चलिए इसको इससे बीटा क्यूब, इसको इससे अल्फा क्यूब,
नीचे को नीचे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। चलिए इसको सही से लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आगे पीछे करके, और इसमें तो मैं अल्फा बीटा क्यूब कॉमन ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे आपके सामने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आते ही फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, अल्फा प्लस बीटा बड़ा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, यही फॉर्मूला अभी जनरेट करके दिखाया था मैंने आपको। और नीचे क्या है, अल्फा बीटा का क्यूब। ठीक है अब क्या करना है, सिंपल वही अल्फा प्लस बीटा का मतलब माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा का मतलब माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा का मतलब सी अपॉन ए, अल्फा बीटा का मतलब सी अपॉन ए। बस बच्चों इतना सॉल्व करना है, कहानी खत्म। तो यानी एक एक चीज आपको क्लियर यहां पर दिखाई दे रही है कि हम किसी काम को कैसे कर रहे हैं, ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है। तो सारे के सारे फॉर्मूले जनरेट कर दिए मैंने आपके सामने, लगे हाथ छटा भी करते हैं। सिक्स्थ में क्या प्यारे बच्चों, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, इसको सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए ना, तो आप क्या देखोगे कि इधर भी अल्फा है इधर भी अल्फा है, इधर भी बीटा है इधर भी बीटा है, और हर बार हो क्या रहा है, एक जगह पे अल्फा की पावर बड़ी है और एक जगह पे बीटा की पावर बड़ी है। समझ रहे हो क्या है, एक जगह पे अल्फा की पावर बड़ी है तो एक जगह पे बीटा की पावर बड़ी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम लोग कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन। और कॉमन किसको लेते हैं भाई, अल्फा को भी लेते हैं और बीटा को भी लेते हैं। किसको कॉमन लेते हैं, अल्फा को भी और बीटा को भी, दोनों को भी। लेकिन यार अल्फा कॉमन ले भी लेंगे तब भी दोबारा कॉमन आ रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आपको पता क्या करना है, कॉमन अल्फा भी लेना है कॉमन बीटा भी लेना है, लेकिन कौन सा अल्फा और कौन सा बीटा, जिसकी पावर छोटी है। ठीक है तो यहां से कॉमन जो लोगे आप, अल्फा तो लोगे लेकिन अल्फा की हाइएस्ट पावर है 3, छोटी पावर है 2, तो अल्फा का स्क्वायर कॉमन, और बीटा में भी पावर 3 बड़ी है 2 छोटी है, तो 2 वाला कॉमन। तो यानी जो भी छोटी पावर है उसको कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा। हाँ भाई देखो अल्फा की 3 पावर थी, 2 निकाल ली, बची कितनी, 1, क्योंकि अल्फा बीटा स्क्वायर तो पूरा कॉमन निकल गया, प्लस अल्फा स्क्वायर पूरा कॉमन निकल गया, बीटे का क्यूब में से बीटा का स्क्वायर निकल गया, बचा कितना बीटा। समझ में आया, दोबारा बताऊं, चलो एक बार दोबारा बता देता हूं, फिर से देख लो। मैंने क्या बताया कि जब भी ऐसी सिचुएशन दिख जाए आपको करना क्या है, अल्फा और बीटा दोनों कॉमन लेना है, लेकिन कॉमन वो वाला लेना है जिसकी पावर क्या हो, छोटी हो। तो भाई यहां से अल्फा का स्क्वायर और यहां से बीटा का स्क्वायर ले लिया कॉमन, अल्फा की 3 में से अल्फा का 2 निकाला, एक बचा, अल्फा का बीटा का 2, बीटा का 2 पूरा निकल गया, प्लस अल्फा का 2 निकल चुका है, बीटा के 3 में से बीटा का 2 निकाला, तो बचा क्या बीटा। तो क्या मैं इसको अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इंथ को लिख सकता हूं, और यहां पे अल्फा प्लस बीटा, लो जी हो गया सॉल्व। अल्फा बीटा कितना है, सी अपॉन में ए का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो कितना हो गया, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में माइनस बी अपॉन ए। तो क्या बनेगा, ये माइनस बी सी का स्क्वायर और ए का क्यूब। तो ये आपके सामने आंसर क्या बन गया, ए का क्यूब। कैसे, माइनस का बी सी का स्क्वायर, माइनस बी सी का स्क्वायर और ये ए का स्क्वायर और ए, तो क्या बन गया, ए का क्यूब। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको 6 के 6 कंटेंट यहां पे लिख के दिखा दिए कि हमेशा एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आ रही बात, तो आपको इनको नोट कर लो, और अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाना शुरू करता हूं। तो फॉर्मूले तो मैंने करवा दिए, अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, तो फटाफट क्वेश्चन देखो। ठीक है तो बच्चों अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपसे कहा गया है कि ये ऊपर आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, और कह रहा है कि भाई इसको सॉल्व कीजिए, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है अब जब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको पॉलिनोमियल दिया हो और वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले, तो आप निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, शून्यकों का योग, क्या है, माइनस बी अपॉन में ए। तो देखो माइनस तो ये रहा, ठीक है, बी बी कितना है बच्चों, बी है माइनस का 5, तो यहां ब्रैकेट में माइनस का 5, क्योंकि ये माइनस तो फॉर्मूले का है और ये माइनस इसका खुद का। ए कितना है भाई, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो इसका मतलब हो गया ये प्लस का माइनस माइनस प्लस का 5। तो
तो सम ऑफ जीरो शून्यकों का योग कितना आ गया बच्चों, फाइव। अच्छा अब आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब शून्यकों का गुणनफल, ये कितना होता है बच्चों, सी अपॉन में ए। सी कितना है फोर, ए कितना है वन, कितना आ गया फोर। क्लियर हो गई यहां तक बात? अच्छा अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब ये आ जाए सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों आ गए, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जब आ गया, तो हमें वन अपॉन में अल्फा प्लस वन अपॉन में बीटा माइनस टू अल्फा बीटा इसको फाइंड करना है। तो कैसे, इस बीटा को यहां ले जाइए, इस अल्फा को यहां, तो बनेगा बीटा प्लस अल्फा, नीचे को नीचे से अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा। इसको सही से अगर मैं लिखूं तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा यही बनेगा। चलिए हो गया मेरा काम। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मतलब सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा यही होता है। तो बच्चों सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, पांच। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू चार माइनस टू, अभी बताया अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है चार। सॉल्व कीजिए, पांच बटा चार माइनस चार दुनी आठ, नीचे कुछ नहीं है तो वन। सॉल्व करेंगे, वन को फाइव से फाइव, फोर को एट से थर्टी टू, फोर को वन से फोर, पांच में से बत्तीस गया, कितना आएगा बच्चों माइनस का सत्ताईस बटा चार आंसर। ऐसे करना है सॉल्व, देखो कितना सिंपल है कि नहीं। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन और लेता हूं। देखिए ये सारे क्वेश्चन आरडी शर्मा के हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया, ये ले लिया, हाँ जी ये लिया मैंने, एफ टी टी का स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस थ्री, और फाइंड करना है मुझे अल्फा की पावर फोर बीटा की क्यूब, अल्फा की क्यूब बीटा की फोर, ठीक है ये फाइंड करना है बच्चों मुझे, ठीक। अब देखिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है माइनस का चार, तो ये माइनस तो फॉर्मूले का है और भाई माइनस का चार, ए कितना है कुछ नहीं है तो वन, तो कितना बन गया माइनस माइनस प्लस। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा यही होता है शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है सी अपॉन ए, सी कितना है तीन, ए कितना है वन, कितना बन गया तीन, ठीक है। जैसे हमारे पास शर्त है कि भाई जब भी कोई पॉलिनोमियल दिया हो, बहुपद दिया हो और फाइंड करने के लिए बोल दे, वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दे, तो सबसे पहला काम सम ऑफ जीरोज निकालो और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आपका पहला काम है। दूसरा काम क्या करना है, वैल्यू फाइंड करो, अल्फा की फोर बीटा की क्यूब प्लस अल्फा की क्यूब बीटा की फोर। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब भी ऐसी सिचुएशन दिख जाए, ऐसी कंडीशन दिख जाए, तो आपको करना क्या है मेरे भाई, आपको करना है अल्फा को भी कॉमन लेना है और बीटा को भी कॉमन लेना है, और कॉमन लेते वक्त क्या ध्यान रखना है कि पावर छोटी किसकी है। तो यहां से बीटा की पावर और यहां से अल्फा की पावर, छोटी वाली पावर कॉमन निकाल लो, ठीक है। अब चार अल्फा में से तीन निकाल लेंगे तो एक बचेगा, और यहां तो तीनों बीटा आ गए प्लस, हाँ जी तीनों अल्फा कॉमन और चार बीटा में से तीन बीटा कॉमन निकालेंगे, एक बीटा, सही बात है। अल्फा बीटा का क्यूब, अल्फा बीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं, आंसर आपके सामने, हाँ जी अल्फा बीटा कितना है तीन, तीन का क्यूब मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चार, तीन का क्यूब सत्ताईस गुने में चार आंसर आ गया, चार सत्ते अट्ठाईस का आठ रह गया दो, चार दुनिया आठ और दो दस, तो बच्चों 108 आ गया, कितना आ गया 108। तो इस तरीके से आंसर निकालना है, क्या किसी बच्चे को दिक्कत समझ में आ रहा, सभी बच्चों को? तो मैं अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं सेंड करूंगा, प्यारे बच्चों इसको ध्यान से देख लीजिए, और मैं इस टाइप के कम आपको 10 क्वेश्चन सेंड करूंगा सभी बच्चों को, और ये सारे क्वेश्चन आरडी शर्मा से हैं, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेंगे, और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, और कई बार आ भी चुके हैं, तो इसलिए अब मैं आप लोगों को
इस टाइप के कम से कम 10-15 क्वेश्चन सेंड करूंगा और वो आपको करने हैं। डाउट आपको मुझे सेंड करना है, वो सारे डाउट मैं यहाँ पे कवर करूंगा, ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पूरे जोश के साथ। और बच्चों, एक एक क्वेश्चन को बड़ी ईमानदारी से करो, क्योंकि मैं आप लोगों का सक्सेस रेट 100% देखना चाहता हूँ। मैं एक एक बच्चे का मैथ में मार्क्स 100 मार्क्स देखना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप सब वो 100 मार्क्स बड़े आराम से ला सकते हैं। लेकिन तब ला सकते हैं जब आप पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ पे लग जाएं, क्योंकि हम पहले ही थोड़ा लेट हो चुके हैं। लेकिन लेट होने का मतलब ये नहीं है कि हम कम बैक नहीं कर सकते, कम बैक कर सकते हैं अगर आप भी और मैं भी दोनों बड़ी ईमानदारी के साथ लग जाए। तो मैं अपनी ईमानदारी आपसे वादा करता हूँ 100% रखूंगा, तो आप भी 100% उस वादे के साथ जुड़ के चलिए। तो चलिए, यहीं पे आज खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन करेंगे।